for latest news, programs and updates, subscribe to BR News channel and press. कडव्या प्रवचनातून रोखठोक विचार मांडणारे क्रांतिकारी राष्ट्रसंत तरुण सागर महाराज यांची प्राणज्योत मालवली, मात्र त्यांची तरुण वाणी निरंतर आणि चिरंतर कायम राहील. क्रांतिकारी राष्ट्रसंत तरुण सागर महाराजांची प्राणज्योत मालवली. आपल्या कडव्या प्रवचनातून त्यांनी रोखठोक विचार मांडून मनामनामध्ये स्फुल्लिंग चेतवलं. वस्तुनिष्ठता, समाजातील वास्तवता आदी अनेक विषयांवर सडेतोड आणि परखडपणे तरुण सागर महाराजांनी सातत्यानं प्रबोधन केलं. लक्ष्मण रेखा घर में होना चाहिए, परिवार में होना चाहिए. और मेरा कहा, अगर आप माने तमाम रूमों के साथ, आपके घर में किचन रूम है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, बाथरूम है, बच्चों के लिए स्टडी रूम है, और कौन सा है, बेडरूम है, और तमाम रूम है, अच्छी बातें. तरुण सागर को इसमें कोई तकलीफ नहीं. राष्ट्रसंत तरुण सागर महाराजांना गेल्या काही दिवसांपासून प्रकृती अस्वास्थ जाणवत होतं. महाराजांची प्रकृती सुधारावी यासाठी देशभरातून प्रार्थना, मंत्र पठण तसंच नमोकार मंत्रोच्चार सुरू होते. परंतु आजार बळावल्यानं तरुण सागर महाराजांची प्राणज्योत मालवली. तरुण सागर महाराज हे काही वर्षांपूर्वी सोलापुरी आले होते. केवळ जैन समाजच नाही तर विविध समाजाच्या जाती धर्माच्या बांधवांनी प्रवचन ऐकण्यासाठी प्रचंड गर्दी केली होती. हजारों की संख्या में लोग मेरी कड़वी बातों को बड़े प्रेम से सुनते हैं. मैं समझता हूँ यही तरुण सागर की खुशनसीबी है, और इससे बड़ी और क्या खुशनसीबी. आज सारे संस्कार खत्म हो गए, सब संस्कार खत्म, अब एक ही संस्कार बाकी है. देशभरात प्रत्येक ठिकाणच्या प्रवचनामध्ये महाराजांनी वास्तवतेवर भाष्य केलं. आजची कुटुंब व्यवस्था, मानवाचा स्वभाव अशा सामाजिक तसंच भावनिक मुद्द्यांवर कडाडून प्रहार त्यांनी केला. हमेशा सिगरेट के खिलाफ भाषण देता है, हमेशा सिगरेट के खिलाफ भाषण देता है. एक दिन वो खुद सिगरेट पी रहा था, मैंने कहा कमाल के आदमी हो, सिगरेट के खिलाफ भाषण देते हो, खुद सिगरेट पीते हो. बोला पी कहा रहा हूं, मैं तो इसे जलाकर राख कर रहा हूं. वयाच्या अवघ्या 51व्या वर्षी तरुण सागर महाराजांनी जगाचा निरोप घेतला. मात्र तरुण वाणी ही निरंतर आणि चिरंतर कालावधीसाठी अजरामर राहील. बीआर न्यूज चॅनल परिवारातर्फे क्रांतिकारी राष्ट्रसंत तरुण सागर महाराजांना भावपूर्ण श्रद्धांजली.